ये इस प्रकार की कोई पहली घटना नहीं है जब किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मी को सजा मिलते मिलते उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बार फिर ऐसा ही एक मामला कटिहार से आया है और इस पीड़ित परिवार की आवाज को उठाने में हमारी मदद हमारे सहयोगी सोनू चौधरी ने की है। आगे आप पीड़िता का बयान सुनिए और इस मामले को समझने की कोशिश करिए। हम 9th में स्कूल में पढ़ते हैं, गोरगम्मा स्कूल में। हमको एक लड़का ने उठा के लेके चले गया। मैं बोली कहाँ जा रहे हो? वो तो हमको बहला फुसला के यहाँ से लेके चले गया बंगाल। जब बंगाल लेके गया तो वो बोला तुम शादी करेंगे। हम बोले हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम बच्चे हैं, हम अभी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अभी मेरी पढ़ाई की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। तो मैं रोने लगी वहाँ पर कि हम घर जाएंगे। वो हमको गलत समझ कर रखने लगा, गलत उलत करने लगा मेरे साथ। मैं खूब रोने लगी कि मैं घर जाऊँगी। वो मुझे घर नहीं दिया आने के लिए, वो मुझे वहीं पर रखने लगा। बहुत गलत काम किया मेरे साथ। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं 4 महीने की। अब मेरी माँ बाप मुझे पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, मैं इसकी कैसे थी करूँ, कैसे खिलाऊँ मैं इसको? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मैं आपकी बेटी हूँ। सरकार सब सबका बेटी का साथ ऐसा ही करे, इंसाफ करे सर। और कुछ नहीं हम चाहते, मेरे साथ इंसाफ करिए। बाबी लंसारी लेके गया है, मेरी पड़ोस का है। अभी मेरी पढ़ने का उम्र, हम शर्म से घर से बाहर नहीं जाते हैं। स्कूल में मेरी अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं शर्म से। सब पे हंसता है, हम क्या करेंगे? घर से जाने के लिए मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। अभी मेरी अभी मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है सर। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई का तो आश्वासन दे रही है, मगर जो बच्चा गर्भ में 4 महीने का हो चुका है वो 5 महीने बाद इस दुनिया में आ जाएगा। उसे इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा? उसका पिता तो फरार है और उसकी माँ नाबालिग होते हुए दुष्कर्म का शिकार होकर अब उसे जन्म देने वाली है, मगर पुलिस तो कार्रवाई करने की बात ही कर रही है और इससे ज्यादा कुछ ना पुलिस, ना सरकार, ना अस्पताल करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, गुरगामा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की थी जो का नाम थी, जो भाग गई थी। रियली वो भाग गया था एक लड़का के साथ, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें उस लड़का जो था प्लस उसके पिता किया गया था, ये सब हम लोग सुपरविजर भी हुआ था। उसमें हम लोग लड़का और उसके पिता को गिरफ्तारी का आदेश दिए थे, जिसके तहत उसके पिता जो है वो माननीय न्यायालय से जमानत पर है और लड़की काफ़ी पुलिस के दबाव के बाद लड़की को बरामद किया गया, जिसका बयान वगैरह करा गया है। और लड़की नाबालिग है और लड़का अभी तक फरार है, तो हम लोग उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। बच्ची पढ़ना नहीं, पर उसके लिए पुलिस को कुछ नहीं है। पुलिस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेगी। हम लोग को तो जो भागा है उसके साथ जो गलत काम किया, हम लोग उसको जेल भेजेंगे। समाज ताना मार रहा है, गर्भवती है बच्ची। हाँ, वो ठीक है, वो तो गलत हुआ है, तो लड़का जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगा। वैसे लड़की तो स्वयं भागी थी, लेकिन चूंकि वो नाबालिग थी इसलिए उसका कंसेंट का एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जो लड़का है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग के पास वो मैटर अभी तक नहीं आया है, तो जो कार्रवाई होगा उचित हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस बीच जो नाबालिग बच्ची खुद अपने माता पिता पर अपने खान पान के लिए आश्रित है, आखिर वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। और कानून जिस पर सबको भरोसा है इंसाफ का, क्या वो कानून, क्या वो इंसाफ उस बच्चे को भी मिलेगा जिसकी माँ को नाबालिग होते हुए दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा और प्रशासनिक लचरता की वजह से वो बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है।
यहाँ से मेरे बेटे को लेकर लड़का फसला पटिया तो ले गया बंगाल के तरफ, उधर मेरे बेटी के साथ गलत रिश्ता बनाया, सब कुछ गलत किया मेरे बेटी के साथ। मेरी बेटी बोल रहा था मेरे बेटी को जो सब बोलता था ऐसे बोलिएगा तो वो करेंगे ये करेंगे, मेरी बेटी डर से नहीं बोल रहा था। जब वहाँ से पुलिस को दबाव पर जब आया मेरा बेटी यहाँ कटिहार, जब कटिहार आया तो मेरा बेटी अभी तक तो यहीं पर है, मेरा अभी 4 महीना को उसका पेट में बच्चा पाल रहे है, गर्भवती है, और वो खुद हम उसको खिलाते तो अपना बच्चा कैसे खिलाएगा, वो खुद कुमारी माँ हो गया कैसे वो कौन चीज करेगा। हमको चाहिए इंसाफ, हमको चाहिए? बाबिल अंसारी कौन है ये? उसका पापा का नाम है हारून अंसारी, अब बेटा का नाम है बाबिल अंसारी, मेरा मोहल्ले के है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क, HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।